करोड़ों की दुनिया में कैसे फंस गया? शॉर्ट में बताऊं, मेरा बाप एक अव्वल दर्जे का परफेक्ट चूतिया आदमी था। पूरा सच? जब मैं 8 साल का था, मेरे डैड को लगा कि मैंने उनकी गाड़ी चुराई। न जाने क्यों उन्हें वो गाड़ी इतनी प्यारी थी। उन्होंने पूछा क्या वो मैंने चुराई है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा उन्हें पता है मैंने चुराई है, मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया, ना क्रिसमस पर, ना मेरे बर्थडे पर। वो लगभग पूरा साल मुझसे बिना बात किए रहे, मानो मेरा कोई वजूद ही नहीं था। फिर एक रात वो घर आते हैं और आके सीधे डिनर टेबल पर बैठते हैं, और मैं क्या देखता हूं, वही गाड़ी जो चोरी हो गई थी उनकी कलाई पर थी। फिर वो गाड़ी उन्होंने निकाल कर कहीं रख दी, और उसके बाद मैंने कभी उसे देखा ही नहीं। उन्होंने मुझसे सॉरी तक नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखकर पूछा आज स्कूल में दिन कैसा रहा, और फिर वो पूछते रहे आज स्कूल में दिन कैसा रहा, स्कूल में दिन कैसा रहा, पर मैंने जवाब नहीं दिया, बस उन्हें देखता रहा, ना खाया ना पिया। और उसके एक हफ्ते बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में था। 2 सो गया? मजा कर रहा हूं, समझता हूं भाई, बड़ी दोपहरी कहानी है। नहीं नहीं, सब ठीक है, जिंदगी ऐसे ही सबक सिखाती है, जो तुम करते हो जरूरी नहीं, जरूरी है कि दूसरे क्या सोचते हैं। तेरा बाप कैसा था? मैं उनकी बात नहीं करता। इतना खराब था क्या? अच्छी खबर है, रात के शेयरिंग केयरिंग सेशन के बाद मुझे बहुत अच्छी नींद है। उससे भी अच्छी खबर, मैंने सिंपल 3-स्टेप प्रोसेस वाला एस्केप प्लान बनाया है। बढ़िया है, तो बता मुझे पहला स्टेप क्या है? ध्यान भटका है, साबुन से। अच्छा बता, क्या मिलेगा जब साबुन जो ग्लिस्टरीन से भरा है उसे मिलाएंगे क्लीनिंग सॉल्यूशन से जिसमें नाइट्रिक एसिड है? मिलेगा नाइट्रो ग्लिस्टरीन। केमिस्ट्री में पास हुआ, चलो भाग। चल 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 चल। You're welcome.